हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनप्रीत एंड यू आर वाचिंग आज विवर चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे लगातार कि मैम रीडिंग के जो हैं हमें टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन को लेकर। क्योंकि रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या है, नियर अबाउट 20 जो हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन आए हैं, तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही रहती थी कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को कि या तो वो क्या करते हैं कि नॉट गिवन को ट्रू लगाते हैं या फिर फॉल्स लगाते हैं। फॉल्स और नॉट गिवन में तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है ना उन्हें कि पूछो ही मत। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है कि आपको ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन अगर आपको देखने को मिल जाए तो आप वहाँ पर पैनिक हो जाते हो और आप आंसर जल्दी में गलत कराते हो? या फिर क्या आपको भी किसी सेंटर वाले ने या फिर किसी और की ऐसे टिप्स आपने देखे हैं, उन्होंने आपको एडवाइस किया है कि अगर आपके पास 5 जो है ट्रू फॉल्स आए हैं तो आप उनमें से जो है आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा अगर प्रॉपर, तो आप क्या करो कि सबका आंसर ट्रू लगा दो या फिर सबका आंसर फॉल्स लगा दो। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम जो है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फ़ीस ज़्यादा है और आपकी मेहनत है। तो प्रिपरेशन कीजिए, बहुत इजी है अगर आपको एक बार समझ आ गई ना टेक्निक कि किस तरह से ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन को सॉल्व किया जाता है, तो बिलीव मी कि आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 100% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपका कोई भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जितना आप इससे डरते हो, जितना आप येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से डरते हो ना, आज के बाद आपका डर निकलने वाला है। और ये जो वीडियो है ना आज की, वो मैंने रीसेंट एग्जाम में ये टॉपिक आया आपके 19 मार्च को जो आपका एग्जाम था उसमें मॉर्निंग स्लॉट का ये टॉपिक उठाया मैंने, जो हमारी वेबसाइट पे आयल्स फीवर की वेबसाइट पे टेस्ट नंबर 111 है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि रियल एग्ज़ाम में जो लेवल है इस लेवल की रीडिंग्स आ रही हैं। और ये नहीं है कि मैं बहुत ईजी रीडिंग उठा के आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि आपको उस ये आप बोलो कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो हमें आता था, कोई डिफ़िकल्ट वाली उठाओ। तो ये रियल एग्ज़ाम में टॉपिक आया है, रियल एग्ज़ाम में रिसेंटली आया 19 मार्च को मॉर्निंग स्लॉट में आया, और इसमें जो है पहले आपको दिए हुए हैं ट्रू फॉल्स। सो उसके बारे में हम बाद में देखते हैं कि इस तरह से आपको स्टेटमेंट मिली हुई है। सबसे पहले आपने क्या काम करने हैं जब आप ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन करो, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वेल प्लान्ड कोई लेक्चर ले रही हूँ आपका, या मैंने अपनी स्टोरी कुछ लिखी हुई और मैं लिख के बोल रही हूँ। मेरे दिमाग में रैंडमली जो भी ट्रिक्स जो भी टिप्स मेरे को टाइम टू टाइम याद आते रहते हैं ना वीडियो के बीच में, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ। मुझे कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आपको सारी बातें बता पानी मुश्किल होती हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कई बार कोई टिप रह गया या कोई ट्रिक कोई टेक्निक ऐसी है जो मुझे करते करते याद आ गई, हाँ इसका आंसर इस तरीके से फाइंड आउट किया गया, तो वो मैं बीच में बताती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप या फास्ट फॉरवर्ड करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देखने वाले स्टूडेंट्स हो तो प्लीज़ आप मत देखिए वीडियो, से अच्छा यही है कि आप मत देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है ना वो बहुत परेशान करता है। फिर आप कहोगे कि हमने आपकी वीडियो देखी थी, आपकी टेक्निक्स देखी थी, फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखी है। पूरी डिटेल में अगर देखोगे ना तभी आपको पता लगेगा कि कौन सी ट्रिक कौन सी टेक्निक किस क्वेश्चन में किस तरह से आपको उलझाया जाता है और किस तरह से उसका आंसर फाइंड आउट किया जाता है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सो आपको करना क्या है जब आपके पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आए, एंड बिलीव मी हर एग्ज़ाम, चाहे 19 मार्च का एग्ज़ाम है, चाहे 12 मार्च का था, और चाहे आने वाला 26
सॉरी जो हमारे पास रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाला है अब अपकमिंग 26 मार्च का है, तो अगर वो भी है चाहिए आपको ये टाइप क्वेश्चन की मिलेगी और एक मिलेगी आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग, ये तो डेफिनेटली आपको आएंगे ही आएंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग एंड ट्रू फॉल्स एंड येस नो नॉट गिवन, ये तो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। सो इनसे डरोगे ना अगर आप तो नहीं होगा। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है लिस्ट ऑफ हेडिंग की, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व किया जाता है। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो हमें पैसेज दिया गया है वो है डर्टी रिवर बट क्लीन वाटर, ठीक है। मतलब इससे हमें ये पता लग रहा है कि रिवर से रिलेटेड, डर्टी रिवर यानी कि गंदगी से रिलेटेड जो है रिवर की, उसके रिलेटेड बात होने वाली है और वाटर से रिलेटेड कोई बात, मतलब टॉपिक जो हमारा है ओवरऑल किस पे डिपेंड है, रिवर पे। तो आपको जब भी कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन में से, ना तो आप वाटर सेलेक्ट करोगे, ना आप रिवर सेलेक्ट करोगे, ना आप क्लीन और डर्टी जो है कीवर्ड पिक नहीं करोगे। कीवर्ड पिक क्यों नहीं करने, कभी भी नेवर पिक, कभी भी मत पिक कीजिएगा कीवर्ड जो आपका टाइटल हो, क्योंकि जो टाइटल है उसका कीवर्ड कभी पिक मत करना, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रिवर ढूंढने लगूँ तो ये रहा रिवर, फिर ये रहा रिवर, ठीक है, उसके बाद ये रहा रिवर, बहुत बार रिवर आएगा। इस तरह तो आपका पूरा पेपर जो है वो ब्लैक हो जाएगा, उस पर आपकी मार्किंग ही मार्किंग शो होगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले आपको कीवर्ड पिक करना आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में से कीवर्ड पिक करने हैं, ठीक है। जब आपके पास ट्रू फॉल्स आए तो क्वेश्चन में से आपको करने हैं कीवर्ड पिक। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा होचपोच आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैक में लिख के दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले आपको करने हैं कीवर्ड पिक, ठीक है, उसके बाद आपने करना है रीड स्टेटमेंट, वो जो आपको स्टेटमेंट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो आपको रीड करना है, ठीक है। उसे रीड करने के बाद आपको उसे करना है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट इन योर मदर टंग, अपनी मदर टंग में उसे ट्रांसलेट कीजिए। हो सकता है कि आपको एक या दो वर्ड्स का मीनिंग ना पता हो, नहीं पता ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, हमारे साथ भी होता है, हमें भी कहीं ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका मीनिंग नहीं एग्जैक्ट क्लियर होता, बट हाँ आपको स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ली उसका आंसर पता लग सकता है कि हाँ इस स्टेटमेंट का ये थोड़ली मीनिंग निकल रहा है, दैट्स इट। आपको सिर्फ मीनिंग फाइंड आउट करना है, आपको वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। ओके, आपने ट्रांसलेट कर लिया, रीड कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड कीवर्ड, जो आपने कीवर्ड सिलेक्ट किया था, जो आपने कीवर्ड सिलेक्ट किया था वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है, कहाँ पर, इन पैरास, ठीक है, पैरास में फाइंड करना है, पैराग्राफ में फाइंड करना है वही कीवर्ड, जहाँ आपको वो कीवर्ड मिल गया उसके आसपास की आपको दो से तीन लाइंस जो हैं उसके आसपास की वो पढ़नी है, और पूरे ध्यान से पढ़नी है। पूरे ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। तो जब आपने वो दो तीन लाइन जो है रीड कर ली, अब आपने देखना है उसको मैच करके अपनी स्टेटमेंट से, क्वेश्चन से मैच करना है। अगर तो उसका मीनिंग ध्यान से सुनिएगा, अगर तो क्वेश्चन का मीनिंग और पैराग्राफ का मीनिंग जो है आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम निकल रहा है, ठीक है, या फिर सेंस जो है उसकी वो सेम आ रही है, इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब आप क्वेश्चन को और स्टेटमेंट जो आपको पैराग्राफ में दी गई है इन्फॉर्मेशन उसको मैच करते हो, उन दोनों का मीनिंग या फिर सेंस सेम निकलती है, इट मीन्स कि आपका आंसर जो है वो है ट्रू। ओके, समझ आ गया। अगर 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 आपको इन्फॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट मिल रही है, उसकी उल्ट मिल रही है, तो वो हो गया आपका अपोजिट यानी कि फॉल्स। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई, ठीक है,
नो इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं तो इन्फॉर्मेशन है या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, दैट मीन्स कि वो आपका नॉट गिवन है, यानी कि थोड़ी सी बात की गई है पर पूरी डिटेल में बात नहीं की गई, जो हमें चाहिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो नहीं दी गई, देन नॉट गिवन है। इसीलिए स्टूडेंट्स ट्रू एंड नॉट गिवन में कन्फ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें कीवर्ड मिल गया है और हम फटाफट से ट्रू लगा देते हैं, बट ट्रू तब लगाना है जब आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई हो। अगर आपको अध अधूरी इन्फॉर्मेशन या बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तब आपका नॉट गिवन आएगा। और एक और बात जो है बहुत कॉमन है और स्टूडेंट्स करते हैं रिपीटली गलती, वो क्या है कि जल्दी जल्दी में जब वो आंसर ट्रांसफ़र करते हैं तो टी एफ एन जी ऐसा लगा देते हैं। ऐसा नहीं लगाना, आपको ऊपर जो है इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको लगाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं अगर स्टार्ट करूं तो ये आपको पैराग्राफ दिया गया है, और यहाँ पर हमें दिए गए हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब मैं इसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रही हूँ, ये जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यहाँ से यहाँ तक। उन्होंने कहा ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, फॉल्स इफ़ फॉल्स, एंड इंफॉर्मेशन इफ़ नॉट गिवन इन पैसेज देन नॉट गिवन, ठीक है। इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि आप टी एफ या एन जी लगा सकते हो, इट मीन्स कि आपको आंसर शीट में पूरा का पूरा ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन ही लिखना है। ओके फाइन, ठीक है। अब आपको करना कैसे है वो हम मेन जो हम बात करने वाले हैं, किस तरह से आपको कीवर्ड पिक करने हैं और किस तरह से आपको पैसेज में देखने हैं। सो आपने कभी भी एक क्वेश्चन नहीं उठाना, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो और उसका कीवर्ड आप फाइंड आउट कर रहे हो पर उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। और दूसरी ट्रिक, अब देखिए यहाँ पर टेक्निक, यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है तो नंबर को पैसेज में ढूंढना इजी होता है, आपको पता है। तो मैंने क्या किया, पहले दो मैं पढ़ लेती हूँ। पहले डैमेज कोस्ड बाय फायर इज़ वर्स्ट देन द कोस्ड बाय फ्लड, ठीक है। वो कहते हैं जो डैमेज है वो फायर से जो हो रहा है वो ज़्यादा बुरा है रेदर देन किसके, फ्लड के, ठीक है। और सेकेंड हमें कहा गया है द फ्लड पीक एट मोस्ट 1500 क्यूब मीटर एवरी 8 ईयर, यानी कि हर 8 सालों में जो है जो फ्लड है उसकी पीक कितनी जाती है, ऑलमोस्ट 1500 क्यूबिक, ठीक है। हमें सिर्फ इस इन तीन वर्ड से हमें जो है वो अंदाज़ा हो गया कि वो क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हर 8 सालों में 1500 क्यूबिक फ्लड की पीक जाती है। और पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि जो डैमेज है उसका फायर से जो डैमेज होता है वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा बुरा है रेदर देन किसके, फ्लड से। तो हम इन दोनों को पहले फाइंड आउट करते हैं और वन बाय वन जो है हम डिस्कस करते जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें 1-5 क्वेश्चन है तो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग में ही इसका आंसर होगा। अगर आपको जैसे इसके बाद में हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, अगर ब्लैंक्स पहले दिए गए होते तो ब्लैंक्स स्टार्टिंग में होते और इनका आंसर हमें बाद में मिलता, क्योंकि सीक्वेंस वाइज आंसर होते हैं इसलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैरा से। यहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर मेंशन किया गया है फ्लड कैन अकर, ठीक है। हमें डैमेज की बात की गई है फर्स्ट में कि डैमेज कैसे होता है, और सेकेंड का हमें जो है कीवर्ड जल्दी मिल जाएगा, 1500 क्यूबिक दिया हुआ है। सो अगर मैं इस तरह से स्कैनिंग करूं तो यहाँ पर मुझे सेकेंड का मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मुझे सेकंड मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट का आंसर इससे ऊपर है। सो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। फायर एंड फ्लड आर द टू ऑफ ह्यूमैनिटीज़ वर्स्ट नाइटमेयर। अब यहाँ पर उन्होंने बात की है कि फायर एंड फ्लड जो है दोनों ही क्या हैं, नाइटमेयर हैं, खतरनाक हैं, बट कोई डिटेल में बात नहीं की है कि फ्लड या फायर कौन सा ज़्यादा बुरा है। पीपल हैव, चलिए आगे पढ़ लेते हैं फिर भी, पीपल हैव देयरफॉर ऑलवेज सॉर्ट टू कंट्रोल देम, उन्होंने हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है। फॉरेस्ट फायर आर स्टिफ्ड आउट क्विकली, द फ्लो ऑफ वाटर रिवर इज रेगुलेटेड बाय वेयर्स एंड डैम्स, एट लीस्ट दिस इज हाउ इट यूज टू बी, बट फोकस्ड हैव लर्न दैट फॉरेस्ट नीड फायर टू क्लीन आउट द ब्रश एंड इवन टू गेट सीड्स टू डेमिकेट एट सिमिलर। अब कहीं भी आगे अगर आप पढ़ोगे तो कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इसके बारे में कि हाँ कौन किस से ज़्यादा डैमेज हो रहा है, फायर से या फ्लड से। उन्होंने कहा कि हाँ ये नाइटमेयर्स हैं दोनों, बट कंपेयर नहीं किया गया, तो अध अधूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हमारे पास। तो इट मीन्स कि फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपके पास, नॉट गिवन,
आपको नहीं बताया गया, उन्होंने अधूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने कहा कि हाँ, फायर एंड फ्लड बोथ जो है वर्स्ट, जो है वर्स्ट नाइटमेयर है ह्यूमनिटी का, ख़तरनाक है नाइटमेयर, बुरे सपने की तरह है। बट उन्होंने अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, ये नहीं बताया कि हाँ डैमेज मेन क्या था, डैमेज किससे ज़्यादा होता है, फायर से या फ्लड से, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इट मीन्स कि ये नॉट गिवन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या है, द फ्लड जो है उसकी पीक इतनी है एवरी 8 ईयर्स में। सो यहाँ पर हमें कीवर्ड है, तो इससे पहले कि हम लाइन अगर पढ़ें तो फ्लड्स वंस रेन्स थ्रू द कैनन एवरी ईयर, वो कहते हैं फ्लड जो है वो हर साल जो आता है, एंड स्प्रिंग स्नो फ्रॉम एज फार अवे एज वुड मेल्ट एंड स्वेल द रिवर टू फ्लो दैट एनकरेज्ड। अब यहाँ पर उन्होंने कहा फ्लो दैट एवरेज अराउंड दिस मीटर अ सेकेंड, अ सेकेंड, सेकेंड की बात कर रहा है वो इतने में, ठीक है, एवरी 8 ईयर्स और सो। यहाँ पर मिला है हमें अगला कीवर्ड, उन्होंने कहा एवरी 8 ईयर और सो द फिगर रोज टू ऑलमोस्ट 3000 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पर 8 ईयर में उन्होंने कहा है 1500, और पैसेज में दिया गया है एवरी ईयर कितनी है, 3000 है, तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई ना स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, फॉल्स। अब ये भी है ना इजी, बहुत इजी है, इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो। दो आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। चलिए अब आपको पता लग गया होगा कि मैंने कौन से कीवर्ड उठाए। उन्होंने कहा था 8 ईयर्स, हमें 8 ईयर्स यहाँ पे दिया गया, हालांकि हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 1500 क्यूबिक दिया गया है, पर वो एक सेकेंड का दिया गया है। एवरी 8 ईयर की अगर बात करें, वो कहते फिगर जो है वो बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट इतने क्यूबिक मीटर बढ़ती जा रही है। सो कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों फिगर्स दी गई हैं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। यहां पर हमें मिला है सेकंड का आंसर, यहां पर मिला था हमें फर्स्ट का आंसर। इस तरह से भी आप फाइनल एग्जाम में मार्किंग कर सकते हो, और जल्दी टाइम सेव करना है। जैसे आप ब्लैंक्स करते हो ना, फोर सपोज कि आपको ब्लैंक का आंसर मिल गया, यहां पर यह 6th नंबर आंसर है, आप नहीं चाहते अभी वहां पर लिखना, क्योंकि आपका डबल टाइम वेस्ट होता है। आप पहले ब्लैंक्स को यहां पर लिखते हो शीट में, फिर आप उसको आंसर शीट में लिखते हो, या डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। तो सबसे बेस्ट वे क्या है, यहां पे मार्क किया, यहां पर आपने लिख लेना ये मेरा 6th का आंसर है, ठीक है, यहां पर मार्क किया ये मेरा 7th का आंसर है। तो जब आप फाइनल आंसर शीट पे अपनी नोट डाउन करोगे, तब डायरेक्टली इसको नोट डाउन कर सकते हो एक पैसेज पूरा कंप्लीट करने के बाद। इससे आपका 1 से 2 मिनट, इनफैक्ट 3 मिनट तक आप सेव कर सकते हो, और वही 3 मिनट आप अपने क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में लगा सकते हो। ये एक ट्रिक है जो आपके लिए काम करेगी, मेरे लिए हमेशा करती है और आपके लिए भी करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अगली स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सेडिमेंट्स डिलीवर्ड बाय ट्रिब्यूटरीज हैज लिटिल इम्पैक्ट। वो कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब हिस्सा जो है सेडिमेंट्स का, वो कहाँ से डिलीवर हो रहा है, वो क्या, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, जो सहायक रिवर्स हैं, नदियाँ हैं, उनका क्या है, लिटिल इम्पैक्ट है, बहुत थोड़ा इम्पैक्ट है उन नदियों का, ठीक है, उस सेडिमेंट्स में, कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो चलिए अब हम आंसर हमें यहाँ मिला था, यानी कि अगला आंसर हमारा इससे नीचे है। और सेडिमेंट्स अगर मैं देखूँ तो मैं रफली ऐसे करूँ तो यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो चलिए, हाउएवर इन द 4th डेकेड सिंस द बिल्डिंग इन द कैनल डैम, और आपको ये जो नाम दिए होते हैं ना, इनको डायरेक्टली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप सिर्फ ऐसे ही पेन घुमाते हुए पढ़ सकते हो। जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द ग्लैंड कैनल द ओनली सेडिमेंट दैट इट हैज़ कलेक्टेड हैज़ कम फ्रॉम टाइनी अनडैमेज्ड ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए, उन्होंने कहा द ओनली, जो वो सेडिमेंट्स थे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो बता रहा है, कलेक्टेड, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्सा, और कलेक्ट किया जाता है, हैज़ कम फ्रॉम, कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, फ्रॉम टाइनी अनडैम्ड टेरिटरीज इवन दैट हैज़ नॉट मच यूज एज दोज टेरिटरी आर नॉट पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रीब्यूट द सेडिमेंट्स इन द इकोनॉमिकल वैल्यूएबल वे। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि जो इसका हिस्सा है ज़्यादातर वो सहायक नदियों से मिलता है, बट वो इतनी पावरफुल नहीं है, बट
वो जो टेरिटोरीज हैं वो ट्रिब्यूटरीज वो इतनी पावरफुल नहीं हैं, वो क्या है, टाइनी हैं, अनडैमेड हैं और नॉट मच बीन यूज्ड, और वो इतनी यूज्ड नहीं हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि कंट्रीब्यूट करें, कहाँ पर, सेडिमेंट्स में। तो वही तो उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है सेडिमेंट्स में वो नदियों का, वो क्या है, लिटल लिटल इम्पैक्ट है, और लिटल इम्पैक्ट, लिटल की जगह पर इन्होंने वर्ड यूज़ किया है टाइनी। ठीक है, आपको वर्ड मिल गया, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वर्ड मिलेंगे, ठीक है, आपको सिमिलर वर्ड नहीं मिलेंगे, उसके सिनोनिम्स, उससे मिलते जुलते मैचिंग वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। सो इट मीन्स इसका आंसर हमारा क्या बन रहा है, ट्रू, क्योंकि इनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल सेम नहीं कर रहा है। और आपको एक बात और मैं बता दूँ कि जब भी आप ये क्वेश्चन करते हो और आंसर आपको दिख गया, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने सेकंड वाला किया था, आपको 1500 क्यूबिक मिल गया, तो आप क्या करोगे, एवरेज अराउंड दिया हुआ है, ओके ठीक है, एवरेज अराउंड दिया है, हम लिख देते हैं फटाफट से, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हाउएवर लगा के उन्होंने बात को घुमाया और हमारा आंसर यहीं पड़ा है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और पता लगेगा कि किस तरह से और घुमाते हैं ये, क्योंकि जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे ना तो वैसे वैसे आपको हैबिट हो जाएगी। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की आज की वीडियो देख के उसके बाद आप एटलीस्ट 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस निकालिए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे और आप देखते भी होंगे और आपने देखी भी होंगी अब तक, ठीक है, पर जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई ऐसी टिप नहीं है जो आपको घोल के पिलाई जा सके और आपके नंबर आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह है, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ चप्स इज ऑलवेज कॉज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रॉट सिंस मिड 20th सेंचुरी। अब यहाँ पर कीवर्ड आपको बहुत बढ़िया मिल गया, क्योंकि ये बहुत ईजिली हमें शो हो जाएगा क्योंकि न्यूमेरिक में है। वो कह रहे हैं कि मिड 20th सेंचुरी में क्या था कि डिक्रीजिंग नंबर ऑफ चप्स इज ऑलवेज कॉज्ड, कहते हैं कि जो चप्स के नंबर हैं वो डिक्रीज हो रहे थे ऑलवेज, वो किसके कारण हो रहे थे, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रॉट्स, वो कहते हैं इसके कारण हो रहे थे कि इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। अगर आप इसको मीनिंग नहीं बताना तो छोड़ दीजिए, वैसे इसका मीनिंग जो है एक टाइप ऑफ फिश है, अगर आपको नहीं भी मीनिंग पता तो आपको पता लग गया कि इसका जो है डिक्रीजिंग नंबर किसके कारण हो रहा था, क्या कारण था उसका इसको इंट्रोड्यूस करना, किसमें, 20th सेंचुरी में। अब डिक्रीज वर्ड ढूंढना है हमें, ठीक है, कहाँ पे डिक्रीज आएगा और 20th सेंचुरी कहाँ पे आ रहा है, मिड 20th सेंचुरी। अब देखिए मैं सारा नहीं पढ़ रही, यहाँ पर मिड 20th सेंचुरी मुझे कीवर्ड मिल गया। अब इससे ऊपर की दो लाइनें और इससे नीचे की दो लाइनें मैं पढ़ लूँगी। इससे ऊपर की लाइन की मैं बात करूँ तो यहाँ से बनती है लाइन मेरी, ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। एट फर्स्ट साइट इट लुक्ड एज इफ द रीज़न वाज द चब वर बीन ईटन बाय ट्रॉट इंट्रोड्यूस्ड फॉर स्पोर्ट फिशिंग इन मिड। वो कहते हैं कि ऐसा था कि चब्स जो हैं वो ईटन बाय ट्रॉट की मछलियों द्वारा इंट्रोड्यूस खाए जाते थे या कुछ भी है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं, बट ट्रॉट एंड चब्स को एग्जिस्टिंग साथ साथ ही चल रहे थे अनटिल द ग्लेन कैमल डैम वॉज बिल्ट, सो समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, तो इसके अलावा कुछ और चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बात की है, अगर मैं इससे पहले पढ़ूँ तो क्या लिखा है, उन्होंने लेक ऑफ फ्लडिंग हैज़ हार्म्ड लोकल, एन एग्जाम्पल के तौर पे ये वो आपको बता रहे हैं कि पॉपुलेशन हैज़ क्रैश्ड, पॉपुलेशन जो है वो घटती जा रही थी, ठीक है। एट फर्स्ट साइड, अगर फर्स्ट साइज में देखते हैं, द रीज़न वाज चब वर बीइंग ईटन बाय ट्रॉट इंट्रोड्यूसिंग द स्पोर्ट फिशिंग इन द स्पोर्ट फिशिंग होने लग गई थी क्योंकि, बट अब यहाँ पर बात को घुमाया जा रहा है बट लगाकर, आप ये चीज़ ध्यान में रखा कीजिए। अब यहाँ पर बट लगाया है, यहाँ पर हाउएवर लगा के घुमाया था तो आपको आंसर मिल गया था, अब यहाँ पर बट लगा के घुमाया है तो आपको आंसर मिल जाएगा, डेफिनेटली फोर्थ का आंसर यहीं पर है, इसके बाद है। तो उन्होंने कहा बट मिडल 20th सेंचुरी की बात करें, बट ट्रॉट एंड चब को एग्जिस्टिंग साथ साथ ही चल रहे थे जब तक डैम का विकास हुआ था, जब वो बनी थी, सो समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, मतलब ये उसका कारण नहीं है, समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, कुछ और ही चल रहा था, वो क्या चल रहा था वो देख लेते हैं।
उन्होंने पर यहाँ पर बात क्लियर कर दी है, यानी कि ये उसका कारण नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं ना डिक्रीजिंग का, ये उसका कारण नहीं है, कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन, कुछ और चल रहा था। फिर भी क्लियर करने के लिए हम आगे की दो लाइनें पढ़ लेते हैं। स्टीव ग्लोस ऑफ यूनाइटेड स्टेट सर्वे रिकॉन दैट द जॉब्स डिक्लाइन, अब डिक्लाइन वर्ड मिल गया है जो है डिक्लाइन। इस तरह से आप वोकैब को नोट डाउन कर लीजिए कि आपको डिक्लाइन वर्ड मिला है किसके कंपैरिजन मिला है, डिक्रीज के ईजिंग दिया हुआ था हमें पीछे, ठीक है। सो इस तरह से टाइनी मिला है हमें लिटिल का, तो इस तरह से आपको सिनोनिम्स जो है एक नोटबुक लगा लीजिए, उसमें आपको जब सिमिलर वर्ड्स मिल रहे हैं जिस तरह से एनुअल वर्ड दिया हुआ है बट आपको पैसेज में ईयरली दिया हुआ है, ठीक है, डिक्रीज दिया हुआ था, पैसेज में आपको डिक्लाइन दिया हुआ है, वहाँ पर लिटल था, यहाँ पर टाइनी है, तो ये जो वर्ड हैं ये रिपीट होते हैं हर दूसरी तीसरी रीडिंग में जो आपको हेल्प करेंगे डायरेक्टली। अगर आप इस वे में प्रैक्टिस करोगे ना डेफिनेटली आपके सेवन बैंड बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, सेवन बेड से कम तो नहीं आएंगे, सेवन से अबव चाहे आ जाएं, ठीक है। तो वो बात कर रही हैं, वो कह रहे हैं जब डिक्लाइन इज द रिजल्ट ऑफ लूजिंग देयर मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल डिफेंस एंड द विल बी पुअर, अब वो रिजल्ट बता रहे हैं लूजिंग देयर मोस्ट, वो अपनी जो लूज करती जा रही थी मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल डिफेंस, ठीक है, सेंटीमेंट वो लूज कर रही थी। रीज़न क्या था, वर वेल अडेप्ट टू द पुअर विजिबिलिटी क्रिएटेड बाय कोज बाय, ठीक है, आपको दिया हुआ है इज ऑलवेज कोज्ड बाय, किसके कारण, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है क्रिएटेड बाय, ठीक है, मिल गया ना एक और सिनोनिम्स, created by the thick red water which gave the river its name and depending to the, ठीक है जी, मिल गया आपको। वो कह रहे हैं इसके कारण नहीं हुआ था, किसके कारण हुआ था, thick red water by the, किसके द्वारा हुआ था, by the thick red water, यानी कि अपोजिट बात की गई है। वो कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट था, किसके कारण हो रहा था डिक्रीज, ट्रॉट के कारण हो रहा था, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रॉट इसलिए हो रहा था, बट आपको पैसेज में दिया गया है कि क्रिएटेड बाय द थिक रेड वाटर, कि उसके कारण हो रहा था रेड वाटर के कारण, तो ये क्या होगी आपकी स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। आई होप कि अब तक वीडियो आपको सही लग रही होगी, आपको पता लग रहा होगा कि इस तरह से हमें आंसर मिल रहे हैं और किस तरह से जो एग्जामिनर है आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, किस तरह से आपको उलझाया जाता है छोटे छोटे से कीवर्ड्स ऐड ऑन करके, लाइक यहाँ पर फॉर हाउएवर लगाया था, यहाँ पर बट लगाया था, उसके बाद ही आपको आंसर मिला है, तो आपको पता लग गया होगा कि जहाँ पर भी इस तरह के कनेक्टर्स यूज हों, वेयर एज, हाउएवर, बट, वाइल, ठीक है, नेवरदलेस, इस तरह के जब भी आपको कीवर्ड मिले ना तो थोड़ा सा आपने दिमाग की बत्ती को जगा लेना कि हाँ डेफिनेटली अब इसके आसपास आंसर है, मैं फोर्थ का आंसर यहाँ पर मिला है, इट मीन्स कि फिफ्थ का आंसर हमें अब इससे ऊपर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको फिफ्थ का आंसर। तो फिफ्थ की स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो कुछ इस तरह से है, फिफ्थ की स्टेटमेंट है इट सीम्ड दैट, ये देखा गया है या माना गया है, द आर्टिफिशियल फूड इन 1996 हैड अचीव्ड सक्सेस पार्टली एट द वेरी बिगनिंग आर्टिफिशियल फ्लड इन 1996 अचीव्ड सक्सेस, वो सक्सेस हासिल की थी उसने इन द स्टार्टिंग बहुत बिगनिंग में। तो अब हमें ये कीवर्ड हमें मिला है 1996, क्योंकि इसे ढूंढना आसान है, आपको पता है कि नंबर हो गए, नाउंस हो गए, या कोई इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे ढूंढना बहुत आसान होता है, तो स्कैनिंग का यूज़ कीजिए। एक वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें सारी ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी मेरी रीडिंग की हैं कि किस तरह से स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, वो आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी, बट फिलहाल हम 1996 को ढूंढते हैं, तो डेफिनेटली कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्वियसली इससे पहले नहीं दिख तो हमारा आंसर यही होगा। सो अब उन्होंने कहा सो फ्लडेड इज ऑब्वियस आंसर, फ्लडेड जो है ऑब्वियस आंसर है। अब देखिए अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्यों माय गुड लक कि मुझे ऐसे ऐसे कीवर्ड क्यों दिखते हैं। अब देखो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमें एक आंसर मिला था
हाउएवर के बाद, दूसरा आंसर हमें मिला बट के बाद, अब थर्ड फिर वही है अनफॉर्चुनेटली, अब हमें आंसर मिल रहा है इसके बाद। अब ध्यान से देखिए कि किस तरह के ट्रैप जो है एग्जामिनर आपके साथ खेलता है और सारी स्टेटमेंट को जो उससे पहले कही होती है बिल्कुल बदल देता है। आपको लगता है कि पहले वाली स्टेटमेंट्स में आंसर होगा बट एक छोटा सा वर्ड ऐड ऑन करके ना वो सारी स्टेटमेंट को घुमा देता है। अब उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ईजियर सेड देन डन, फ्लड वर्स सेंट डाउन द ग्रैंड कैनल इन 1996 एंड 2004। कहते कि हाँ फ्लडेड जो है वो कैनल जो डैम था उसमें बेची जाती थी कैनल में 1996 एंड 2004 एंड द रिजल्ट वर मिक्स्ड, रिजल्ट जो थे उसके मिक्स्ड थे। इन 1996, अब देखिए दो ईयर दिए गए हमें 1996 एंड 2004, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। तो उन्होंने कहा कि 1996 द फ्लड वॉज allowed to go on too long to start with all seemed well, ठीक है। तो start किससे हुआ था, start हुआ था at the beginning, अब देखिए at the very beginning and the to start with keyword मिल गया, इसका same synonym हमें मिला है to start with। अब आपको पता लग गया होगा कि मैं किस तरह से आंसर फाइंड आउट करती हूँ, बिगनिंग की जगह पर उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है स्टार्ट विथ, ठीक है, आपको पता लग गया होगा। थोड़ा सा ना पेपर की प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता लग जाए। ये देखिए यहाँ पर वेरी बिगनिंग दिया हुआ है, वहाँ पर हमें कीवर्ड मिला है टू स्टार्ट विथ, उन्होंने क्या ऑल सीम्ड वेल, और उससे पहले की अगर इन्फॉर्मेशन पढ़े तो 1996 की बात की है, उन्होंने कहा था फ्लड वॉज अलाउड टू गो ऑन टू लॉन्ग, टू लॉन्ग यानी कि वो क्या था सक्सेस हासिल की थी उसने, मतलब मीनिंग सेम निकल रहा है। आगे भी पढ़ लेते हैं, बिल्ड अप एंड सन इवेंचुअली हाउ एवर द कॉन्टिन्यूस फ्लो, अब देखिए हाउ एवर इवेंचुअली, इवेंचुअली हाउ एवर कॉन्टिन्यूड फ्लो वॉश्ड मोस्ट ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ डॉ कैनल, द प्रॉब्लम वॉज अवॉइडेड इन दिस, इससे पहले पहले जो है 96 की बात की गई है, यहाँ पर वो 2004 की बात स्टार्ट कर दी उन्होंने। वो कहते 2004 में क्या था अनफॉर्चुनेटली जो वॉल्यूम था वो डैम का वो क्या था टू लो, लो हो गया था, यानी कि सक्सेस कब हासिल हुई थी, वो हुई थी 1996 में हासिल, और जब वो क्या हुआ था गो ऑन टू लॉन्ग। अब हमें इसका आंसर मिला है टू कीवर्ड्स में, टू कीवर्ड में आंसर कैसे मिला कि हमने देखना था सक्सेस जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है गो ऑन टू लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा चला यानी कि सक्सेस हासिल की, ठीक है, और सेकंड कीवर्ड हमने फाइंड आउट किया था वेरी बिगनिंग जिन्हें उन्होंने लिखा है स्टार्ट विद। तो आपको दोनों कीवर्ड मिल गए हैं और इसका आंसर जो है इस अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर बनता है ट्रू। आई होप कि आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे, 5 के 5 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं और दो क्वेश्चन रह गए हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आप खुद से करके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर ट्रू है फॉल्स है या नॉट गिवन है। फटाफट से 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। उन्होंने कहा है इनफैक्ट द यील्ड ऑफ आर्टिफिशियल फूड वाटर इज स्मॉलर देन एन एवरेज नेचुरल फ्लड एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहा है वो, प्रेजेंट में क्या है इनफैक्ट, इनफैक्ट वास्तव में, मिथ चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कुछ भी धाराएं बनाता रहे बट फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि आर्टिफिशियल फ्लड वाटर जो है वो क्या है स्मॉलर है, छोटा है, किसे एवरेज नेचुरल फ्लड से। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हमें यहाँ मिला था इस पैराग्राफ में 5th का आंसर, तो 6th का आंसर मोस्ट प्रोबेबली इसमें होगा। सो इवन सो इट मे टर्न आउट टू बी एन एम्प्टी जेस्टर, अब ये क्या है कहते इवन सो, हालांकि जो है ये क्या है एम्प्टी जेस्टर है, हालांकि मतलब क्या कहते हैं जेस्टर की तरह है, खाली जेस्टर है। एट लेस देन 1200 क्यूबिक मीटर अ सेकेंड दिस फ्लड इज स्मॉलर देन, अब डायरेक्टली ही दिया हुआ है, इज स्मॉलर देन इवन एन एवरेज स्प्रिंग फ्लड। लो जी मिल गया आंसर, वो क्या कह रहा है आपको कि ये जो है
आपका स्मॉलर देन है एवरेज स्प्रिंग फ्लड से, जो आर्टिफिशियल है वो स्मॉलर है, डायरेक्ट आपको दिया हुआ है और एट प्रेजेंट की बात ही वो कर रहा है, इवन सो ठीक है, इज स्मॉलर देन और लेट अलोन वन ऑफ द माइटर इन द पास्ट, जो कि वास्तव में पास्ट में क्या था, पास्ट में क्या था वो इसका माइटर, इसका विशाल जो है परलय था, बहुत शक्तिशाली परलय था, बट इस टाइम क्या है जो आर्टिफिशियल फ्लड हैं वो क्या है, स्मॉलर हैं, एवरेज है किससे, नेचुरल फ्लड से। तो सेम सेंस निकल रही है, इट मीन्स कि इसका आंसर क्या है, ट्रू है। आई होप कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेवेंथ स्टेटमेंट जो है आपको करनी है, ये आपके पास स्टेटमेंट है और इसका आंसर सर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर भेजिएगा। मैं एक बार के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिख गई, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट पैराग्राफ जिसमें आपको आंसर मिलेगा। आपको सिर्फ इतना सा पैराग्राफ रीड करना है, लास्ट की दो लाइनें रह गई हैं, उसी में आपको आंसर मिलेगा सिक्स्थ के बाद, और इसका आंसर जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही और आपको समझ आ गया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बने वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है अपना रिसेंटली, तो किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह के स्पीकिंग क्यू कार्ड पूछे जा रहे हैं वो भी हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिए, और बहुत जल्दी आपके साथ प्रेडिक्शन वीडियो भी हम शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्पॉटिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।